मॉर्निंग एवरीवन, आज हो गया है धनतेरस और डे है ट्यूसडे का। तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी धनतेरस। धनतेरस का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज से त्योहार सारे शुरू हो जाते हैं और बहुत अच्छा सा लगता है। तो हस्बैंड जो है ना मॉर्निंग में चले गए हैं, सुबह सुबह चले गए थे आज, वो 7:30 बजे ऑफिस के लिए निकल गए क्योंकि धनतेरस के दिन उनका सबसे ज्यादा काम रहता है। तो आज मुझे नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं बनाना था, उनका नाश्ता लंच और डिनर सब उनके ऑफिस में होने वाला है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ उनको चाय बना के दे दी थी। मॉर्निंग में नहा धो के पूजा करके वो चले गए थे ऑफिस के लिए, और मुझे भी अपने लिए नाश्ता बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही हूँ। तो बाहर बालकनी में मैंने झाड़ू लगाया, वहां पे ना बर्ड्स बहुत आती हैं आजकल, तो कभी रोटी के टुकड़े कुछ ना कुछ गिरा के चली जाती हैं, तो इसलिए वहां पे डेली मुझे क्लीन करना पड़ता है। और बालकनी में जो मेरा एलोवेरा का प्लांट लगा हुआ है तो काफी बड़ा हो रहा था, वैसे तो काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन ना एलोवेरा के पत्ते जो हैं, मतलब एलोवेरा जो है वो मतलब येलो येलो कलर का हो रहा था, अजीब सा लग रहा था, सूखा सूखा जैसा। तो जो सूखे वाले एलोवेरा थे वो सब मैंने हटा दिए, थोड़ा बहुत ही मैंने उसमें रखा, पूरा भर गया था गमला। दो प्लांट है मेरे पास एलोवेरा के, एक आगे साइड रखा हुआ है, एक पीछे साइड बालकनी में रखा हुआ है। तो आगे साइड वाला तो बहुत अच्छा है, एकदम हरा भरा सा है, उसको मैंने निकाला नहीं है। बालकनी वाला एकदम सूख रहा था, तो उसको मैंने, मुझे लगता है शायद वो धूप की वजह से, दिन भर धूप पड़ती है ना पीछे बालकनी में, तो उस वजह से हो रहा था। तो ज्यादा ही जो सूख रहे थे पत्ते, मैंने वो सारे हटा दिए हैं, वो और पूरी बालकनी मैंने क्लीन कर दी है, बेड टाइडी अप कर दिया है, और अब मुझे क्लीनिंग करनी है, झाड़ू पोछा करना है, और उसके बाद अपने लिए नाश्ता भी बनाना है। और दियो में पेंटिंग का काम मेरा अधूरा है अभी, तो आधा काम मैं आज करूंगी, थोड़े से ही दिए हैं, वो 20-25 मिनट का काम है, तो वो भी हो जाएगा मेरा। और एक लाइट मैंने मंगवाई थी ना दिवाली में लगाने के लिए, तो अभी मैंने लगाई नहीं है, तो वो लगानी है, और मैंने डिसाइड ही नहीं किया है कि मैं लगाऊंगी कहाँ पे, तो उसका मुझे सोचना है कि मैं क्या करूंगी, कहाँ लगाऊंगी, तो ये सारी चीजें करनी है, बहुत सारे काम है आज, तो इसलिए मैं चलिए फटाफट से काम करती हूँ, अपना क्लीनिंग करती हूँ, और उसके बाद बनाते हैं अपने लिए कुछ नाश्ता, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो हल्की सी भूख भी लग रही है, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद अपना काम करेंगे। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं ओट्स के चीले बनाने वाली हूँ, और मुझे अच्छे लगते हैं ये, बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट भी होता है, बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो ओट्स का पाउडर मैंने पहले से बना के नहीं रखा है, मैं ओट्स ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रोस्ट करना पड़ता है, या फिर कई बार साबुत पाउडर बना के भी आप डाल सकते हो। तो पाउडर बना के मैं फटाफट से इसका बैटर तैयार करूँगी, और यहाँ पे बेसन ख़त्म हो गया था तो नया पैकेट मैंने खोल दिया है। तो ग्रॉसरी हमारी जो है ना, हम लोग लेके आते हैं मंथ के स्टार्टिंग में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ पैकेट्स उसी दिन खुल जाते हैं, कुछ पैकेट्स 20-25 दिन के बाद खुलते हैं, तो इसीलिए ग्रॉसरी जो है ना मैं पहले लेके रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में शॉप में ना भागना पड़े बीच बीच में सामान लेने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बेसन वगैरह सब रखा हुआ था पहले से, आज मैं इसका पैकेट ओपन कर रही हूँ, और यहाँ पे बैटर भी बनके रेडी हो गया है चीले का, तो मैं फटाफट से ओट्स के चीले बना के तैयार कर लूँगी। चीला बनके रेडी हो गया है, एक चीला बन गया है, एक चीला बस बचा हुआ है, दो चीले बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने रख दी है मूंग की दाल दोपहर के लिए, क्योंकि फिर बार बार खाना वाना बनाने में ना मुझे बड़ा आलस आता है, अपने लिए बनाना होता है तब तो फिर मन ही नहीं करता बनाने का, तो इसलिए मैं दाल बॉईल करके रख दे रही हूँ, और रोटी या फिर राइस वगैरह कुछ दोपहर में उसी टाइम बना लूंगी गरम गरम। और ये मेरी चाय भी बनके रेडी हो गई है, एक्चुअली दूध खत्म हो गया है, दूध और दही मुझे लेने के लिए जाना है अभी शॉप में। 4 सीटी आ गई है कुकर में, तो मैं दाल बंद कर देती हूँ, अच्छे से पक जाती है मूंग की दाल है, ग्रीन वाली मूंग की दाल जो होती है। तो बस चीला बन जाए फिर मैं नाश्ता करती हूँ फटाफट से। एक दही का पैकेट भी दे दो छोटा वाला। एक पैकेट दूध का और एक पैकेट दही का अभी लेके आई हूँ मैं शॉप से,
और अब मुझे किचन क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैं फटाफट से सारी क्लीनिंग करती हूँ। इसके बाद मैं किचन की आज डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने क्लीनिंग पहले से करके रखी हुई है सारी, सारे जाले वगैरह मैंने साफ़ करके रखे हैं, ऊपर एग्जॉस्ट फैन क्लीन करके रखा है, और मैंने उसका वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, सारे कैबिनेट वगैरह खाली करके वो भी हमने क्लीन कर दिए हैं। तो काउंटर टॉप एक बार मैं दोबारा से क्लीन करूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप ऐसी चीज़ है जो बार बार गंदी हो जाती है, और सामान इसमें जो रखा रहता है ना हमारा, तो वो भी जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसीलिए स्टोव वगैरह मैं अच्छे से सोप लगा के स्क्रब करके अच्छे से क्लीन करूँगी, और इसके जो नॉब्स वगैरह लगे होते हैं, वैसे तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है हफ्ते में या फिर 10 दिन में। तो अभी दीपावली है तो मैं इसलिए दीपावली क्लीनिंग करना बनता है एक बार। तो बाकी सारा सामान भी मैंने काउंटर टॉप के ऊपर से हटा दिया है, एक बार सोप लगा के मैं स्क्रब कर लूँगी टाइल्स को और काउंटर टॉप को, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। साढ़े 11 बज गया है और मेरी हालत आप देख लो कैसी हो गई है। एक्चुअली किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी मैं आज, काउंटर टॉप पूरा मैंने अच्छे से क्लीन किया है, इतने सारे तो बर्तन निकले हैं जिनको मैंने वॉश किया है, और जबकि आज नाश्ता भी नहीं बनाया, लंच भी नहीं बनाया, नाश्ता मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया था, तो उतने सारे बर्तन हुए ही नहीं थे। तो ये सब एक्स्ट्रा है जो मैंने निकाल के वॉश किए हैं, और उसके अलावा जितने भी रैक्स हैं बर्तन रखने के लिए ये सारे मैंने वॉश किए हैं। ये वाला तो मैं जब से लेके आई थी ना तब से वॉश ही नहीं किया था, काफ़ी दाग धब्बे बहुत गंदा सा हो रहा था, तो इसको वॉश कर लिया है। ये कप स्टैंड और ये प्लेट स्टैंड ये सारे मैंने वॉश कर लिए, इनकी इनमें जितनी भी प्लेट्स लगी हुई थी, कप लगे हुए थे, जितने भी बर्तन थे सब मैंने वॉश कर लिए। और मेरे पास इनके कमेंट आते हैं कि इनके लिंक आप मुझे प्रोवाइड करना, तो ये वाला तो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। और ये जो प्लेट स्टैंड है ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो इसका मेरे पास लिंक अवेलेबल नहीं है। और उसके अलावा काउंटर टॉप मैंने अच्छे से विम जेल लगा के क्लीन किया है, ये वाली विंडो क्लीन की है, विंडो में एक ही ओपन रखती हूँ क्योंकि डस्ट बहुत हो जाती है, तो ये मैंने अच्छे से क्लीन किया है, जाले वगैरह क्लीन किए, ये वाला एरिया भी क्लीन किया क्योंकि यहाँ पे भी कुछ सामान रखने के काम आ जाता है। और ये वाले रैक में जो सामान रखे थे ये भी मैंने डब्बे पोछ पोछ के रखे हैं अभी, और स्टोव और ये टाइल्स सब मैंने हटा के अच्छे से क्लीन किया है सोप लगा के। तो पूरा 1 से 1.5 घंटा लग गया है, अब मुझे पोछा लगाना है, और मतलब फाइनल दिवाली की जो क्लीनिंग होती है वो चल रही है आज। और मेरी आवाज़ भी मुझे लग रहा है थोड़ी सी गूंज रही है क्योंकि मैंने सामान हटाया है, तो किचन थोड़ा सा खाली लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, बाहर ना बरामदे में धुलाई करनी है, और वॉश बेसिन क्लीन करना है, उसको वॉश करना है, उसके बाद जाना है मुझे नहाने के लिए। तो आज बहुत सारे काम होने वाले हैं, 12:00 तो ऐसे बच जाएगा, तो इसीलिए मैंने लंच के लिए दाल पहले बॉईल करके रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये काम मैंने पहले कर लिया है।
सारा वॉशिंग का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। बाहर बरामदा मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये वॉश बेसिन भी मैंने वॉश कर लिया है। तो इसके बाद मैं फाइनल क्लीनिंग करूँगी, तो पूरे घर में मुझे मॉप करना है, फटाफट से मॉप करके उसके बाद मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। 12 बज गया है और मैं आ गई हूँ रेडी होके। मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए। आज घर के काम करने में ना बहुत टाइम लग गया, जबकि मुझे लंच वगैरह भी नहीं बनाना था। तो क्लीन दिवाली के टाइम पे तो ऐसा हो ही जाता है, सुबह से शाम तक जो है ना काम खत्म नहीं होते, दिवाली के दिन तक भी। इवन उस दिन तो बहुत ज्यादा ही काम होता है। तो अभी के मतलब आज के फिलहाल क्लीनिंग के काम तो मेरे निपट गए। अभी मुझे किचन थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करनी है, क्योंकि जो रैक वगैरह मैंने वॉश किए थे वो सूख चुके हैं, उनमें मुझे बर्तन लगाने हैं अच्छे से। और आज धनतेरस का दिन है, तो मैंने ये प्यारी सी कुर्ती पहनी है जो मैंने नवरात्रि में पहनी थी। और अपना हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, इस तरीके से मैंने बनाया है आज। और अब थोड़े से दिए रखे हैं, वो भी मुझे पेंट करना है। पहले दिए पेंट करने का काम कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं बर्तन वगैरह सब रखूंगी। और बाहर जो है, घर के बाहर मैंने लास्ट वाले व्लॉग में दिखाई दिया था, सारी लाइटिंग वगैरह हो चुकी है। और फ्लावर वगैरह जो फूलों की माला होती है ना, वो हम लोग कुछ लेके नहीं आए हैं अभी। मे बी कल हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से, तो शायद हम लोग कल लेके आएंगे जो भी चीज़ें बची हुई हैं, छोटा मोटा सामान जो दिवाली का पूजा के लिए चाहिए होता है ना, तो वो सब चीज़ें हम लोग कल लेके आएंगे। या फिर हो सका तो दिवाली के दिन, अगर टाइम नहीं मिला तो फिर हम दिवाली के दिन ही जाके लेके आएंगे। तो ये सब मेरा प्लान है, क्योंकि ना अकेले जाके लेके आने में मुझे समझ में नहीं आता, मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ। और यही होता है कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो इसलिए ना दिवाली की शॉपिंग करने के लिए मैं कभी भी अकेले नहीं जाती हूँ, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। और वैसे भी इतनी सारी भीड़ होगी, इतना रश होगा मार्केट में आज, तो इसलिए अकेले जाने में कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर दिए पेंट करने का काम मैंने किया और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैली पड़ी है। सब कुछ मैंने क्लीन तो कर दिया है, बस मुझे इसको रीअरेंज करना है। जितने भी रैक्स मैंने वॉश किए थे, इनमें सारे बर्तन मुझे लगाने हैं, और बर्तन वाली टोकरी तो पूरी भर चुकी है, तो उसे भी मुझे खाली करना है। और दूध मैंने खाली करके रखा हुआ, तो उसको मैंने बॉयल नहीं किया था, तो सबसे पहले मैं एक साइड दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी और दूसरी साइड में तब तक बाकी का सामान दोबारा से अरेंज करके रखूँगी। एक ही दिन में आज मैंने बहुत सारे क्लीनिंग के टास्क लिए हुए थे। तो नहाने के बाद मैंने यहाँ पे मंदिर भी थोड़ी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, और बहुत ज़्यादा तो डीप क्लीनिंग तो नहीं की थी, क्योंकि सारा सामान हटा के मैं एक दो बार पहले भी क्लीन कर चुकी हूँ नवरात्र के टाइम पे, तो इसीलिए इस बार मैंने हल्का फुल्का नीचे से फ्लोर वगैरह साफ़ कर दिया है। क्योंकि हम लोग दिया बत्ती करते हैं ना, थोड़ा बहुत कूड़ा इधर उधर गिर जाता है, तो वो सब मैंने अच्छे से मॉप कर दिया है और क्लीन कर दिया है। मंदिर की क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मुझे ये स्टिकर्स मिले जो नीचे दरवाजे पे चिपकाएंगे हम लोग, लेकिन ना ये काफ़ी पुराने हो गए हैं, मैंने हल्द्वानी से लिए थे और इनका कलर भी छूटना स्टार्ट हो गया है, तो ये नए लाने पड़ेंगे। और इसमें भी एक दो ही बचे हुए हैं, ये लास्ट ईयर मैंने देहरादून से लिए थे, तो ये थोड़े से सही लग रहे हैं, छोटे छोटे साइज के हैं। और वैसे भी ना बहुत सारे स्टिकर लगा के अच्छा नहीं लगता है, जितने चिपकाने थे वो मैंने लास्ट ईयर ही चिपका दिए थे। अभी बाहर पे धूप की वजह से ना ऐसा होता है, कलर निकल जाता है या छूटने लगते हैं, तो जहाँ जहाँ पे छूट गए हैं वहाँ पे मैं ये वाले चिपका दूंगी। शाम के 4 बज गए हैं और दिए पेंट करने का काम मेरा हो गया है कंप्लीट। कुछ दिए इनमें से सूख चुके हैं, कुछ अभी गीले हैं, तो इनके ना बैक साइड में भी मैंने कलर कर दिया है इस तरीके से। पूरे नहीं किए हैं, हाफ कलर किया है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, मैंने हाफ हाफ कलर कर लिया है और बहुत प्यारे से लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो अभी मैं फुल लुक दिखाती हूँ उनका। ये दिए डेकोरेशन का काम मेरा हो चुका है कंप्लीट, इसके अलावा सारी क्लीनिंग वगैरह भी मेरी कंप्लीट हो गई है। दिवाली की थोड़ी बहुत डेकोरेशन बची है, फाइनल डेकोरेशन तो दिवाली के दिन तक चलती रहेगी,
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरीके से ना, पहली बार मैंने दिए पेंट किए और ये आइडिया काफी अच्छा लगा। इसके अलावा कलर भी काफी सारे बच गए हैं, अभी बहुत कलर है इसमें, तो ये फिर कभी काम आ जाएंगे या किसी ना किसी चीज में मैं यूज कर लूंगी इनको। तो इनको अभी मैंने पेपर के ऊपर रखा है क्योंकि थोड़े बहुत गीले हैं। तो ये तो थी मेरे दियो की पेंटिंग, और कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों में से भी बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि हम लोग भी दिए में पेंटिंग करते हैं और अच्छा लगता है। मैंने पहली बार इस तरीके से ट्राई किया और मैं नेक्स्ट टाइम से भी कुछ नया नया करने का ट्राई करूंगी। अच्छा लगता है और माइंड भी रिफ्रेश रहता है। तो दिए तो अभी हमारे कम पड़ेंगे क्योंकि ये थोड़े से ही हैं, और जितने थे मेरे पास मैंने सारे पेंट कर दिए। और इनके अलावा मुझे कैंडल्स लेनी है दीपावली के दिन के लिए, क्योंकि इस बार हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, देहरादून में ये हमारी पहली दिवाली होगी। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करें दिवाली को। और कैंडल्स लेनी है, उसके अलावा शुभ दीपावली लेनी है जो दरवाजे पे लगाते हैं ना, तोरण वगैरह भी कुछ नहीं है। तो डेकोरेशन का सारा सामान जो है मार्केट जाके ही मिलेगा, यहाँ पे आसपास की शॉप में उतना अच्छा सामान मिल नहीं रहा है। मैंने देखा भी था लेकिन मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मार्केट। और दिवाली की छोटी मोटी सामान जो है, खिलौने वगैरह जो होते हैं ना खाने वाले, मतलब जिनसे पूजा करते हैं, तो वो सब भी लेना है। थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लेना है, कैंडल्स लेनी है, इन सब के लिए हम जाएंगे मार्केट शायद कल या फिर परसों में। तो आगे आपको और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे वीडियो को एडिट करके फटाफट से अपलोड भी करना है ताकि आपको टाइम से वीडियोस मिलते रहे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, दियो में पेंटिंग कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस, और बाय बाय एंड टेक केयर।